हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करने जा रही हूँ। पूजा मेरी हो गई है और आज जो मैं जो सफाई करनी है किचन का या जो भी काम है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि किचन की भी बहुत जरूरी हो जाते हैं। ऐसे सफाई करते हैं, कपड़ा मार देते हैं, बड़ी भी सफाई नहीं करते यहाँ पे इस तरह से। तो मैंने चिमनी वगैरह की जो सफाई की है और इस तरह से, तो आप लोग रहिए मेरे साथ पूरा दिन आज मेरे ब्लॉग के साथ। सो गाइस चलते हैं। और अब मैं भी इतना काम करने के बाद अभी मैं आपको ना मैंने एक दो चीज़ें ऑर्डर करके मंगवाई हैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या क्या मंगवाया है। सो गाइस चलती हूँ। और अभी मैं सफाई भी यहाँ सारी जो है करने वाली है, साथ साथ मैं करती जा रही हूँ, आप लोगों को मिलवाऊंगी। और सबसे बड़ी चीज़ आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि गर्मियों में जो गर्मियों के और सर्दियों के जो कर्टन अलग अलग होते हैं उनको मैंने कैसे यूज़ किया है बिना पैसों के जुगाड़ से। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं हम लोग आगे कि इस वीडियो में। और आप लोगों को एक बात और बतानी थी कि अब जो वीडियो आ रहे हैं आगे आगे, तो यूट्यूब ने बहुत अच्छी चीज़ एक वो की है कि सबटाइटल जो लगा दिया है। तो सबटाइटल को अगर हम लोग डाल देते हैं तो वीडियो में जिस भी जगह जिस लैंग्वेज में भी इस वीडियो को देखना चाहे उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ, जो हम लोगों की वीडियो है वो कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में सब लोग देख सकते हैं। तो ये यूट्यूब का बहुत अच्छा ये फीचर्स जो अभी नया अभी एक डेढ़ महीना एक महीने के समथिंग ही हुआ है इसको। तो ये जहाँ जैसे इंग्लिश में है सबटाइटल का मतलब है जैसे बांग्लादेश है या बंगाली जैसे वो लैंग्वेज है या इंग्लिश है हिंदी है, मतलब जो आपकी लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में इसको देख लीजिए ना। उन लोगों के लिए जैसे हमें कोई काम करना है, अगर आपको कोई काम करना है और आप काम करना चाहते हो तो ज़रूर करो, जो आपको अच्छा लगे वो आप काम करो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम दूसरों के लिए हमेशा जीते रहें, आप अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी ये कर सकते हो जिसमें आपको खुशी मिले। तो क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ करना चाहिए, चाहे घर में करो या बाहर कोई भी काम करो। तो अपने आप को हमेशा बिजी रखना एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक तो आप सारी चीज़ों से बचे रहते हो, ठीक है, दिमाग में कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं आती हैं। और जो इधर उधर वाले जो लोग परेशान आपको मेंटली जो प्रॉब्लम देते हैं उन लोगों से तो खासकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। इसलिए राहत मिलती है क्योंकि हम उनकी तरफ सोच ही नहीं पाते, है ना। जब आप कोई काम करने लग जाते हो तो फिर आपका पूरा ध्यान पूरा फोकस उसी काम पे रहता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं बिजी रहना मुझे इसलिए ही अच्छा लगता है क्योंकि हम सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या अपने बारे में सोचते हैं। क्योंकि आप 100% किसी के लिए भी कुछ भी कर दो तभी आप दूसरों के लिए, जिसके लिए आप भले नहीं हो उसके लिए आप भले बन नहीं सकते। तो हम दुनिया को सफाई देना बंद करके और अपने लिए अपने फैमिली के लिए या जो आपको कुछ भी काम, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है, एक बार ज़िंदगी मिली है इसको खोना नहीं है। और जो आप करना चाहो, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ शौक होता ही है, ये तो 100% है। हाँ, कुछ चीज़ें हमारी दब जाती हैं, हम नहीं कर पाते हालातों के हिसाब से समय के हिसाब से। लेकिन अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और आपके पास अब टाइम है तो अपने लिए कुछ ज़रूर करिएगा। और क्योंकि मैं तो यही चाहूँगी कि हर किसी को लाइफ में हर चीज़ मिलनी चाहिए, हर चीज़ पैसे के लिए नहीं, हर चीज़ रिश्ते के लिए नहीं, अपने लिए कुछ करो। और आप जब भी कुछ करने की चाहत रखेंगे तो ऊपर वाला अपने आप रास्ता बनाता चला जाता है। एक बार एक कदम उठा के तो देखिए आप अपने आप मंजिल आपको मिल जाएगी, सोच के देखना। दोस्तों ये मैंने आटा लगा के रख दिया है और अब आज सुबह जल्दी नहा ली थी तो नहाने के बाद सबका नाश्ता वगैरह बना के, तो ये मैं जो चिमनी वगैरह साफ करनी थी तो फिर मैंने बाद में दोबारा की है। अब मैं दोबारा नहाऊंगी फिर, तो क्योंकि थोड़ा सुबह अगर जल्दी करो तो फिर नाश्ता वगैरह लेट हो जाता है, तो इसलिए आज मुझे सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो इतना ज़्यादा इसमें ऑयल ऑयल सा जिस इस तरह से हो गया था तो मैं आप लोगों को करके बता रही हूँ कि ये देखो नीचे कितना गंदा था और फिर साफ होने, ये देखो कितना गंदा है, चिमनी लगी हुई है लेकिन फिर भी ये गंदा हो ही जाता है, ऑयल वगैरह होता है ना। तो ये इससे भी मैंने किया। और मैं आपको बताऊंगी कि एक मैंने जो तारपीन का तेल होता है उससे आप एक बार इससे साफ करना सबसे पहले, तो उसके बाद क्या है ये सारा देखो साफ हो गया है ना, तो इसको मैं झड़क दूंगी और तारपीन के तेल से जितना ऑयल वगैरह होता है वो सारा छूट जाता है। तो मैं जो किचन इसकी चिमनी की जो पूरी क्लीनिंग है ना वो मैं आपको स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी और उसमें फिर आप लोगों को बताऊंगी। आज तो मैं पूरा इसमें ब्लॉग में नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि डीपली पूरी सफाई होगी तो पूरा चिमनी को मैं खोल के फिर सफाई करूंगी। तो
उसके बाद मैंने नहा लिया है, सबको नाश्ता वगैरह करा दिया था, और ये बर्तन बर्तन धो के दोबारा से फिर ये जो है मॉप से मैं ऊपर ऊपर मार देती हूँ। इसमें फिर गंदगी वगैरह नहीं होती है, तो ये मॉप से कर दिया। अब थक गई थी तो फिर मेरा मन कर रहा था बैठने का, कुछ अपने लिए भी 10 मिनट टाइम निकालना चाहिए। वैसे तो हम लोगों की भागम भाग हमेशा बनी रहती, सबके लिए टाइम होता है पर अपने लिए नहीं होता। तो मेरा मन किया तो फिर मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, चाय भी पी और मैंने नेल पॉलिश लगाई, गाने भी सुन रही थी। तो ऐसा सबके साथ ही होता है और होना भी चाहिए, अपने लिए थोड़ा टाइम देना जरूरी होता है। तो ये मैंने जो टेप मंगवाई थी इसकी, तो टेप जो है वो मैं इसमें हॉल में वो पूरी लगाऊंगी, तो किस तरह से लगाऊंगी वो आपको बताती तो हूँ। दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। आज मैंने क्या मंगवाया, दो तीन चीजें मंगवाई हैं और इसको तो कल ही खोल दिया था। तो ये जो मंगवाया है मैंने, ये इसको क्या बोलते हैं, अप्पे पेन बोलते हैं, अप्पम पेन बोलते हैं। अप्पम मतलब इसमें अप्पे बनते हैं। बना के देखूंगी, बना के नहीं देखा है। तो ये इसके साथ लिड भी आया है और इसकी अनबॉक्सिंग कल ही हो गई थी। और इसके साथ एक ये और आई है स्टिक ना, तो ये मुझे लग रहा है ये पलटने के लिए होंगे। तो जब इसको यूज़ करूँगी और बना के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये इसके साथ आया है लगाने के लिए, तो मैं इसको लगाऊंगी और आपको इसको यूज़ करूँगी ना, फिर बताऊँगी कि ये कैसा निकला। अभी तो मैं सिर्फ खोल के आपको बता दे रही हूँ, और क्योंकि यूज़ करने पर ही चीज़ का पता लगेगा कि ये चीज़ सही है या गलत है। और ये देखो मैंने क्या मंगवाया है, आप लोग काफ़ी दिन से देख रहे होगे ना कि मैं सफाई अपने आप से ही करती हूँ। तो उसमें जो मॉप है, तो मॉप का ना मॉप तो सही चल रहा है, लेकिन उसका जो वो था ना बकेट, तो बकेट में जो कैप लगी हुई थी जहाँ से पानी ड्रेन होता है, वो मेरी कैप ना वो कहीं गुम हो गई है। पता नहीं कहाँ पे, जैसे कहीं रख दी है या पुताई वगैरह सफाई हुई थी तब, पता नहीं मिली नहीं है, तो उसमें दिक्कत हो रही थी। अब मैंने ये जो है मंगाया, और तीनों पोर्शन के लिए अलग अलग चाहिए होता है, तो मैंने ये मंगवाया है इसमें। तो अभी आप देखना कि क्या क्या निकलता है, क्योंकि मैंने भी ये वाला फर्स्ट टाइम मंगाया है। और ये देखिए अब इसको कैसे सेट करूंगी, क्या करूंगी, वो मैं आपको पूरा वीडियो जो है ना वो मैं आपको बना के अलग से बताऊंगी कि ये किस तरह से आप मंगवा सकते हैं, कैसा रहेगा, क्या रहेगा। ओ इसमें एक एक्स्ट्रा भी आया है, ये है एक एक्स्ट्रा आया है। और ये रेट इसका बहुत मतलब सही है, इसके ये बिना बकेट के ही यूज़ होता है, इसमें बकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो शायद ऐसे ही होता है ना। और इस तरह से इसको ये हो गया फिर है ना। और इस ये कैसे होगा, ये तो इसमें तो है ही चिपकाने के लिए, ऐसे इस तरह से यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे नहीं है। चलो देखती हूँ इसको, मैंने अभी इसमें भी नहीं है तो इधर ही होगा, मैं अभी आप लोगों को देख के बताती हूँ। अगर इसमें पूरा उसका डिस्क्रिप्शन खोल के देखूंगी, अगर उसमें सही नहीं होगा तो फिर मैं इसको चेंज कर दूंगी। और ये हो गया इसको, एक चीज़ और मंगवाई है मैंने, क्या है? टेप है, और ये मंगवाया है मैंने, ये जो टाइल्स के गैप होते हैं ना, ये टाइल्स के गैप के लिए मैंने ये वाला मंगवाया। अभी मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया इन चीज़ों को, जब मैं यूज़ करूँगी तो फिर बताऊँगी कि ये आप लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और कितना इससे कवर हो जाएगा एरिया, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी। सो दोस्तों ये तो हो गया मेरा आज का जो है, अमेजोन से ये तीनों चीज़ें मैंने मंगवाई हैं। और मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसका, इसको तो यूज़ करूँगी, ये तो नॉर्मल मुझे लग रहा है कि ये तो ठीक है, मुझे मॉप का ही लग रहा है इसमें ये चीज़ जो है नहीं है। और इसको कैसे यूज़ करूँगी, ये इस तरह से कैसे आता है, अभी यूज़ करना नहीं आ रहा मुझे, तो मैं इसको देख के उसमें से दिया होगा, तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ और आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा इसमें ये ग्रिप लगी हुई है, तो हो सकता है ये इधर से ऐसे हो, मैं इसको लगा के देखूंगी। ठीक है, ये ना ये चीज इधर से लगी मुझे लगता है।
गलत लगाया हुआ है। हाँ ये चीज़ है, ठीक है। ये इसमें ना ग्रिप बनी हुई है, कोई चीज़ पहली बार लो ना तो फिर पता तो होती नहीं। हाँ ये लगे, ठीक है ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊँ, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इसमें ये ग्रिप ये बनी हुई है ना, और ये इसके अंदर उन्होंने जो पैकिंग करके दिए ना वो गलत लगाया हुआ था, उल्टा दे रखा था, इधर वाला जो है वो उधर कर दिया था, इसलिए लग रहा था। तो मैं कहूँ मैं कहा ऐसा तो होता नहीं है ना। तो ये इनके अंदर तीनों ये इस तरह से, ओके। और फिर ये इससे निचोड़ता भी है पानी है ना, अब इससे कैसे निचोड़ेंगे ये तो फिर यूज करके ये। निकल जाता है इसके नीचे आता है, चलो अभी मैं करके बताऊंगी और इसको यूज करके बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। ये हाँ ये इसी तरह से होता है, हो गया ये सही हो गया। नई चीज होती है ना तो फिर थोड़ा सा प्रॉपर चीज की जानकारी नहीं होती है, और ये आ गया इधर, अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा। तो इसको मैंने यहाँ से ओपन करके ये नीचे से इसके इधर से निकाल, इसमें पूरी तरह से ये चिपक गया है। तो ये यहाँ से इसको ऐसे करके लगाएंगे और फिर ये इसको यहाँ से ऐसे इस तरह से निचोड़ेंगे। हाँ लग तो आसानी से ना, ये अब ये इस तरह से ये जो टेप है मैंने अमेजोन से मंगवाया था रोल, मैंने आपको बताया दिखाया भी है। तो इसको मैं पूरा जो टाइल्स का मेरा मतलब पूरे ऊपर के फ्लोर में टाइल लगी हुई है तो उनके गैप में ये लगा रही हूँ। ये लगने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है मुझे, मैंने अभी थोड़ा सा ही स्टार्ट किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो आप कितना अच्छा इसमें लुक आया है, तो इतना प्यारा लग रहा है। मैं अगर मेरे को सक्सेस होगा तो फिर मैं और अंदर हॉल के कमरे वमरे के लिए भी मंगवा। हेलो दोस्तों, तो आज मैंने जो अभी टेप कर लगा रही थी फर्श में, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से मैं ये टेप लगा रही हूँ। मैंने ये इसको भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो ये देख आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कि पूरा मेरा जो आज आधा दिन मेरा इसी में लग गया है और ये लग के कैसा लग रहा है। और पूरा ये इसमें 50 मीटर का रोल आया था और पूरा ये अकेला हॉल जो है ना बस इतना इतना हुआ है, कमरे में नहीं ये कम पड़ गया है। तो अभी मैं इसको यूज़ करके देखूंगी, अगर मुझे ये सही लगेगा तो फिर मैं और मंगवाऊंगी और उसके बाद फिर लगाऊंगी। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये लग के पूरा किस तरह से तैयार हो गया। अभी मैं फ्री भी नहीं हुई लगा के, तो आप लोग देख लीजिए। आप लोगों ने देख लिया है इसको कि मैंने ये लगा के इसको पूरा आंगन को तैयार कर दिया है। और अब ये अगर सक्सेस होता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो फिर 350-300 रुपये में शायद आया है ये, तो जो भी होगा देखी जाएगी। लेकिन लगाया इसलिए क्योंकि ये इनकी जो दरारें होती हैं ना उनमें से सीमेंट निकल जाता है कुछ दिनों के बाद, और फिर कितना भी फिल करो वो तरीके से नहीं फिल होता है। तो इस वजह से इसको लगा दिया है कि इससे पानी वानी और वैसी सेफ्टी रहती, वैसे देखने में लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। सो दोस्तों मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ में, और इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करने वाली हूँ क्योंकि आज मेरा पूरा दिन इसी में लग गया और मैंने ढेर सारे काम किए। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर, और लाइक अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे आप पसंद करो तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिए सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।